कक्षा 4 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित विषय का अध्ययन करा रहा हूँ और गणित के अंदर हम समय पर आधारित सवालों को हल करते थे, तो आज हम गुणा कर रहे हैं वो है घंटा और मिनट के, यानी 9 घंटे 49 मिनट को 9 से गुणा करनी है, 52 घंटे 54 मिनट को 67 से गुणा करनी है। तो गुणा तो हम सामान्यतः जैसे करते हैं उसी प्रकार करनी है। तो ध्यान यही रखना है आपको कि इकाइयाँ दोनों अलग अलग है, ये मिनट है और ये घंटा है। पहले हम केवल मिनट की इकाई को ही गुणा करेंगे, उसके बाद में घंटे की इकाई को गुणा करेंगे। तो हम 49 को 9 से गुणा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम 9 का पारा कितनी बार बोलेंगे, 9 बार। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौक 36, 9 पंजा 45, 9 छः 54, 9 सत्तर 63, 9 अठे 72 और 9 नौ 81। तो 81 क्या होता है, 8 1 81। तो 8 1 81 का एक यहाँ और 8 लग जाएगी आपकी हासिल, 8 लग जाएगी हासिल। अब 9 का पड़ा कितनी बार बोलेंगे, 4 बार। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौक 36। अब 36 में कितनी हासिल जोड़ेंगे, 8। कितने जोड़ेंगे, 8। तो 36 के बाद 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। कितना आया, 44, यानी 4 4 44। यानी मिनट 49 मिनट को हमने 9 से गुणा किया तो आया 9 441 मिनट। अब आपको पता है कि 60 मिनट जब होते हैं तब क्या बन जाता है, एक घंटा। क्या बनता है, एक घंटा। यानी इसका मतलब ये 60 से ज़्यादा है तो एक घंटे से ऊपर है ये। तो हम क्या करते हैं, मिनट को घंटों में बदलने के लिए 60 का क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। क्या लगाएंगे, 60 का भाग। तो देखिए, 60 का पाड़ा अगर आपको नहीं आता तो पहले 6 का पाड़ा लिख लीजिए। जैसे एक छंग छंग बी छंग 12, 3 छंग 18, 4 छंग 24, 5 छंग 30, 6 छंग 36, 7 छंग 42, 8 छंग 48, 9 छंग 54, 25 60। और इसके पीछे 0 लगा दीजिए तो ये 60 का पाड़ा बन गया। अब देखिए, 441 है तो 6 के पाड़े में 441 आता नहीं है। तो 441 से छोटी संख्या क्या होती है, इसके अंदर 420। कितनी होती है, 420। कितनी बार आता है ये, 1 2 3 4 5 6 7 बार, यानी 60 70 420। अब घटाया, 1 में से 0 घटाया 1, 4 में से 2 घटाया 2 और 4 में से 4 गया 0। अभी तो शेषफल में जो बचा है हमारे पास, ये तो रह जाएगा मिनट, और जो भागफल के अंदर आया है वो हो गया हमारा घंटा। यानी इस प्रकार से मिनट की आपको गुणा करके फिर उसको भाग देके 60 का मिनट को घंटों में बदलना है। अब मिनट की जो गुणा पूरा होने के बाद हम किससे गुणा करेंगे, घंटे से। तो हमारे पास 9 घंटे हैं, गुणा किससे करनी है, 9 से। तो 9 को 9 से गुणा करेंगे तब आता 9 9 81। अब यहाँ देखिए, ये 7 घंटे हैं, इस 7 घंटे को हम इस घंटों में प्लस कर देंगे तब हो गया 7 1 8 और ये 8 का 8। तो हमारा जो आंसर है वो हुआ 88 घंटा और 21 मिनट। यानी इस प्रकार से आपको इन गुणा के सवालों को हल करना है। अब इसी प्रकार से ये है, इसमें 2 अंक है 67, यानी डबल गुणा हो जाएगी आपकी। ये गुणा का करने का तरीका वही, पहले केवल आपको मिनट से गुणा करनी है, तो 54 को 67 से गुणा करनी है। तो सबसे पहले 7 को 4 से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 28 का 8 असल रह गई 2। फिर 7 को 4 5 से करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 35 में 2 दूनी 36, 37। तो ये संख्या बनी हमारी 378।
अब 6 से गुणा करने के लिए हम पहले हासिल मिटाएंगे और पहले अंक के नीचे एक इंटू का चिन्ह लगाएंगे, फिर 6 से गुणा करेंगे 4 को, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल रहेगी 2। फिर 6 को 5 से करेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 30 में कितने दौड़ेंगे 2, 31, 32। अब इसके कर देंगे जोड़, 7 में कितने दौड़ेंगे 4, तो 8, 9, 10, 11, 11 का एक हासिल रह गई 1, 3, 3 एक 4, 4 में कितने दौड़ने आपको 2, 5 और 6 और 3 का 3, 3618 मिनट। इसको घंटों में बदलना है तो 60 का क्या लगाएंगे भाग, और 60 का मैंने बताया था अभी पारा आपको, 6 का पारा आप लिख लीजिए और पीछे क्या लगा देंगे हम 0000 लगा देंगे, तो 60 एकम 7, 60 दूनी 120, 60 तीया 180, 60 चौके 240, 60 बिंजू 300, 60 छंग 360, 60 सत्ताईस 420, 60 अट्ठे 480 और 60 हमने 6540 और 60 लाए 600। अब देखिए पहले अंक क्या है 361, तो इसमें 361 से छोटी संख्या, 361 से छोटी संख्या है आपकी 360 और ये 60 का पार्ट कितनी बार आता है देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार आता है, यानी 60 छंग 360। अब घटाया 1, 6 से 6 गया 0, 3 का 3, अब इस 8 को हमने यहाँ उतार दिया, अब आइए 18 हो गया, क्या हो गया 18। अब 6 के 60 के पड़े में 18 आता नहीं है तो भाग टूटा हमारा, तो हमने यहाँ क्या लगा दिया 0, क्या लगा दिया 0 और ये संख्या आपकी वैसी रह गई, तो शेष रह गया इसका 18, तो जो शेष रहा है वो तो हो जाएगा आपका मिनट और जो भागफल के अंदर आया है वो हो जाएगा आपका घंटा, तो ये आपकी हो गई गुणा। अब 52 घंटे को 67 से गुणा करनी है, तो 7 का पारा 2 बार, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 का 4 असल दे दीजिए, फिर 7 को 5 से करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 35 में 1 जोड़ा 36, फिर हासिल मिटानी है पहले अंक के नीचे इंटू 6 से गुणा करेंगे 2 को, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1 बच गया, फिर 6 को 5 से करेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 1 जोड़ा 31, जोड़ा 4, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 3 में 1 जोड़ा 4, 3 का 3, अब ये जो 60 घंटे दे रखे हैं इसको हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो 4, 8, 6, 14, 1 बच गया, 4, 1, 5 और 3 का 3, 3544, तो इसका आंसर आया 3544 घंटा 18 मिनट। तो इस प्रकार से आपको इन सवालों को हल करना है, तो इस 2 सवाल कॉपी में उतारिए और फिर इसी प्रकार के अन्य सवालों को हल करने का अभ्यास कीजिए। अब हम अंग्रेजी विषय का अध्ययन कर रहे हैं, अंग्रेजी के अंदर हम हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं, तो आज भी हमने 5 सेंटेंस लिए जिनका आपको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो देखो पहला है वह मेरा भाई है, भाई लड़का है तो वह उसके लिए क्या आएगा ही, वह ही, फिर ही के साथ किसका यूज होता है इज का, किसका होता है इज का, तो ही इज, फिर मेरा, मेरा किसको बोलते हैं माई, एम वाई माई, माई मीन्स मेरा, तो माई, ही इज माई, क्या है वो मेरा भाई है, क्या है
भाई, भाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रदर। क्या बोलते हैं? ब्रदर। तो बी आर ओ टी एच ई आर, ब्रदर। तो सेंटेंस बना ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। अब हमारा अगला वाक्य, मेरे पिताजी अध्यापक हैं। तो मेरे, मेरे यानी माई, माई मेरे कौन? पिताजी। पिताजी क्या बोलते हैं? फादर। एफ ए टी एच ई आर, माई फादर क्या है? अध्यापक। माई फादर इज अध्यापक को हम क्या बोलते हैं? टीचर। टी ई ए सी एच ई आर, माई फादर इज टीचर, मेरे पिताजी अध्यापक हैं। अब वह पतली है, वह यानी लड़की के लिए यूज हो रहा है, तो वह को हम क्या लिखते हैं? सी। किसका? सी के साथ में इज का प्रयोग, सी इज, पतली है। पतली को क्या बोलते हैं? थिन। टी एच आई एन, सी इज थिन, यानी वह पतली है। फिर है सीता सुंदर है। अब सीता, सीता किस में क्या होती है? एस आई टी ई, सीता। सुंदर है तो ह इज, सीता इज, सीता है क्या है? सुंदर। सुंदर को क्या बोलते हैं? ब्यूटीफुल। बी ई ए यू टी आई एफ यू एल, यानी सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है। और अंतिम है मोहन एक खिलाड़ी है। तो मोहन, एम ओ एच ए एन, मोहन है के लिए इज, मोहन इज ए, यानी मोहन एक खिलाड़ी है। मोहन इज ए, मोहन एक है, क्या है? खिलाड़ी। खिलाड़ी को हम क्या बोलते हैं? प्लेयर, पी एल ए वाई ई आर। तो वाक्य बना हमारा, मोहन इज ए प्लेयर, मोहन एक खिलाड़ी है। तो इन वाक्यों को कॉपी में उतारिए और उसके बाद में इनको बिना देखा, बिना देख के इनको हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।